आपको दिखाते हैं ये बुआ और भतीजी की कहानी। ये देखो क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों। इनसे पूछते हैं आप मशीन के ऊपर क्यों बैठे पड़े हो गुनु जी। बताओ गुन्नू जी बताओ ना। इसलिए तो मैं छोटा था बचपन में मशीन के ऊपर ही बैठ जाता था। अच्छा जी, आज भी बैठे पड़े इसलिए। आज और ये भी मैडम जी क्या सिल रही है देख सकते हो आप। कुछ नहीं सिल रही, बस ये पता नहीं क्या है, दिखाई भी ये नहीं दे रहा। इसमें अम्मा का क्या है अम्मा का देखो। बताओ, आप बताओ, आपको पता होगा। नहीं नहीं पता पता? नहीं। आप क्यों रो रहे थे सुबह सुबह, आपके आईज में क्या हो गया? बताओ बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। बता दो ना एक बार। मेरी मम्मा भी ऐसे ही सिलती है, छोटे चाचू देखे बुआ चली है अभी अच्छा जी, तब तो बुआ ऐसे सिल ही। क्या रही है? ये क्या है ये बताओ। वो शॉर्ट स्वेटर है, शॉर्ट स्वेटर आमा की शॉर्ट। अच्छा जी, किसकी है? अम्मा की ओ ठीक है, आप क्यों नहीं करवा रहे हेल्प? मशीन चला रहा था अभी तक मैं। मशीन चला रहा था अभी तक। अच्छा जी, चलाओ फिर, चलाओ एक बार, चला के दिखाना जरा कैसे चलाते हैं मशीन। चला चलाओ चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ, अच्छे से ध्यान से। ओहो चल गई, आवाज सुन सकते हो। करो फिर करो, ठीक है, ध्यान से करना, मशीन पर हाथ मत लगाना। फ्रेंड्स ये देखो मम्मी आ चुकी है घूमते फिरते, और देखो हमारे लिए क्या लिख रही है। ये लाई है भंडारा, ये रख रखी भंडारा है है। पूरी। देखते हैं दोस्तों कितनी मस्त लग रही दिखने में तो ये, और खाके तो अभी और मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये ऑफ सीजन चल रहा है। इस समय उम्मीद भी नहीं थी भंडारा मिलेगा। मम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमते फिरते भंडारा ले आई है घर में। इनसे पूछते हैं कहाँ मिला इनको भंडारा। यहीं पर ही पास में। अच्छा पास में मिला, चलो सही है दोस्तों। ये देखो पूरी, ये हमारी बहन ने तो अपना हिस्सा ले लिया, निकल लिए है ये। खाते हैं दोस्तों, आप भी खाइए भंडारा। ये हमारी दिशु बाबू भी आ चुकी है। दिशु बाबू भंडारा खाना है क्या आपको? ये खाना? देखो अम्मा लग मिर्च। रही है भंडारा, कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे खाना खाना है है कि आपको? हाँ खाना है, भंडारा कैसे लाई? बहुत सुंदर तो है। सूजी खाऊंगा। सूजी खाओगे आप? खा लो जो आपको अच्छा लगता है। इसने टंगड़ी खा रखी तो टंगड़ी भी खा रखी है इसने आज। ये हमारी सिस्टर ने देखो अपना हिस्सा कैसे कैसे ले रही है ये फटाफट। ये बहुत, ये है पहाड़ी भालू देख सकते हो आप। ये देखो इसने किस कलर की स्वेटर भी ऐसी पहन रखी है पहाड़ी भालू की तरह। शादी वाला। ना खाओ खाओ खाओ। वो शाम का समय हो चुका है, जा रहा हूँ दूध लेने के लिए अंकल दुकान में, जहाँ मैं रोज जाता हूँ। दिखाता हूँ आपको, ये पहुँच चुका हूँ अंकल की दुकान में। अंकल जी दूध दे देना मेरा। हाँ अंकल जी क्या करूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। अरे अंकल भी देख दिखा देता हूँ वीडियो में, थोड़ा वायरल कर देता हूँ अंकल को। अरे मैं कहता हूँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा अंकल को भी। और अंकल सब बढ़िया? और सुनाओ कुछ नई बातें? आजकल तो पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते वहाँ से? अभी तो स्टार्ट करेंगे, टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। मिलेंगे देंगे पार्टी आपको भी। अभी स्टार्ट ही करा, मैंने कहा तो देख करते हैं क्या थोड़े होता है, पैसे मिलेंगे। देखते हैं बाद में क्या कौन मिलता है बनेगा करोड़पति में चला जाओ। ना उसमें नहीं जा सकते ऐसे, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस थी इतना, उसमें थोड़ी सवाल वास्ट बहुत सारा पूछता है, ऐसे सवाल में सारे जवाब दे दूं। वो तो आपको लगता है ना घरे बैठ के, जो वहां पे होता है वो अलग चीज होती है ना। नहीं, सवाल तो ऐसे पूछता है लग कभी तो कभी ऐसा लगता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। दोस्तों अंकल की बात सुनो, देखो कैसे कैसे सजेशन दे रहे हैं मेरे को। ये देख सकते हो अंकल। ये बिल्कुल शानदार अंकल है। करोड़ कल 1 करोड़, 1 करोड़ का चेक काट के दे दिया उसने उसको। किसको? अमिताभ बच्चन। वो तो उनका काम ही देना, घर से कौन जा रहा है। वैसे भी 70% ही मिलता है, वो ज़्यादा तो नहीं मिलता, 33% तो कट ही जाता है। हाँ सेल टैक्स इनकम टैक्स कट जाता है वो तो। यही है गवर्नमेंट ले के कुछ ले लेता ये मज़ेदार अंकल, मैं शानदार अंकल। ये कुछ दिन के बाद अंकल लड़की को विदा करेंगे। कहाँ मिल गया अभी? दीदी ना आज भेजा था मैंने। अच्छा मैं आज तो कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया ना, तो गया था मैंने कहा मैं इसको तुम्हारे को शायद एक कार्ड दिया था तो चलो कोई बात नहीं वैसे भी। अरे हरे राम अच्छा रामकरण को अच्छा एक कार्ड दिया था चलो तो कोई। पापा को मैंने पहले फोन दिया था। ये अंकल एक्चुअली अंकल की लड़की की शादी है 27 तारीख की, 27 नवंबर को, तो उसी की बातचीत चल रही है। दिखाएंगे आपको उस चीज़ की भी ब्लॉग। फ्रेंड्स ये चल रही है महफिल, देखो कैसे कैसे लोग बैठे पड़े हैं। ये
ये हमारी सिस्टर है, यहाँ ये ठंडी हमारी लग रही माता जी है, है। ठंडी लग रही है अब चाय का आपको? इंतजार हो रहा है। चाय का इंतजार हो रहा है। ठीक है, चाय हाँ बन के आएगी थोड़ी देर में। अभी चाय का अभी बनने तो में टाइम हुआ खुशबू है, 5 बजने आ रही 5 मिनट है, बाकी हैं अभी तो। खुशबू आ रही है अभी बहुत अच्छी खुशबू उसबू कुछ नहीं आ रही है। अच्छी चाय के सी लग मास्टर रही ये है। बैठे पड़े हैं। चाय के मास्टर कब से आ गए? किचन इतना बिजी है कि हम यहीं बैठे। अच्छा चलो सही है, चाय के मास्टर आ गए। आपको ही पता चाय का मास्टर कौन है? आप क्यों हाजिर हो इतना? बताओ बताओ चाय का मास्टर कौन है? ये खाना बनाया ना लगता है मुझे तो कुक, कौन लगता है? कुक कौन है? जो खाना बनाता है वो अच्छा जी, मैम ने सिखाया है मुझे, मेरी मैम ने खाना बनाने वाले को कुक बोला है। अच्छा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। खाना बनाने वाले को कुक बोला है। ये देखो सब अपने अपनी तैयारी में बैठे पड़े हैं, कब चाय बन के आए, कब चाय पी जाए। मिलती है चाय, चिंता मत करो आज हम सबको। भरता बनाएंगे अच्छे से, अच्छा लगता है भरता खाने बैंगन का भरता बनाओ क्या? सही है, बैंगन बनाओ। का भरता बनाऊंगी, अच्छा बड़े टेस्ट बनता है। चलो सही है। आपने आप तो यार खा माला भी उल्टी लीजिए। कर रखी है, माला सीधी पहन लो। अरे यार माला सो के हो जाती है ना वो इधर उधर। देखो यार ये माला का भी ध्यान नहीं रहता, मम्मी को इतनी परेशान रहती है। मम्मी टेंशन मत लिया करो, ये देखो कितनी अच्छी हंसती खेलती नातनी है आपकी, खुश रहा करो इनके साथ। तो खाना बनी है, ये खाना बनते बनते मक्खन चुराते ही जाती है। मक्खन अच्छा चुराने के जी, लिए मेरे पास आती ही नहीं है, ये मक्खन चुराने जाती है। ये ओहो खाना बनी हुई एक ही है। बीमार दास। आ आपकी जाओ तबीयत कैसी है? आ जाओ। ठीक ठीक हो गई है? ये है, देखो अच्छी ये से आवाज हमारा आई। सरकारी सर्वेंट है, ये हमें सुबह से बहुत आवाज आई खुशी हुई। माखन से। हमारा सरकारी नौकर वापस आ चुका है अपने काम पे, अपनी सरकारी नौकरी इसने कल से ज्वाइन कर ली है और सबके लिए खाना अच्छे से बना रही है। ये आ गई है बनकर चाय, फर्स्ट क्लास। हमारी भाभी से लाते हुए आप देख सकते हो, ये ये बाबू बना के लोग लाया था, भाभी से वेट नहीं कर रहे बना के हैं लाए थे, चाय ये बना का। के लाया था ही, अच्छा जी, ये बना के लाया था, ये देख सकते मैं हो बना के लाया तीन था। का मैं 3 गिलास में, कफ तो कह ही नहीं सकती इनको। बना के लाया था। अच्छा जी पियो यार पियो, फर्स्ट क्लास। दोस्तों आप भी पियो चाय, चाय का समय हो चुका है, शाम के 5 ही बज चुके हैं। आप देख सकते हो ये हमारी घड़ी में, और ये अपनी अपनी चाय उठाते हुए ये गुड्डा ले लिया ये मम्मी बनाता ने। है, ये बनाता है, रोज चाय बनाता है ये। सही है। यस रिशु बाबू आपके घर पे आज क्या बना है? किचन में नहीं, चिकन कितने बताया आपको? अच्छा में। जी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे एक और नए शानदार ब्लॉग में।